कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब। सो आई होप कि आपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाले चैप्टर्स मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के देख लिए होंगे। और कोई भी डाउट हो आपको उन पर्टिकुलर इश्यूज पे, सो यू कैन आस्क मी इन द बिलो सेक्शन। ओके गाइस, सो इस पर्टिकुलर लेसन में हम देखेंगे अबाउट कैबिनेट मिशन। सो मैं आपको ब्रीफ में अबाउट कैबिनेट मिशन बताऊंगा। कैबिनेट मिशन से रिलेटेड कई सारे एमसीक्यूज प्री में आते हैं, मेंस में तो उसके ऊपर उतने क्वेश्चंस नहीं आते। प्री में दे कैन कंफ्यूज यू, दे कैन ट्राई टू कंफ्यूज यू। सो वील सी व्हाट एक्चुअली कैबिनेट मिशन वॉस। सो इसके तीन मेंबर्स थे, ये तो आपको रटे हुए होने चाहिए, आपको याद ही होंगे अगर आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ा है। सो पैथिक लॉरेंस, ही वॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, देन स्टेफर्ड क्रिप्स एंड देन ए वी एलेक्जेंडर। सो ये तीन एक्चुअली नाम हैं। ए वी एलेक्जेंडर को छोड़ के बाकी दोनों नाम तो मेरे को याद भी रहते हैं। स्टैफोर्ड क्रिप्स, क्रिप्स मिशन में आपने सुना होगा, और पैथिक लॉरेंस नाम भी कई बार सुन सुन के याद हो जाता है। सो ए वी एलेक्जेंडर, ये भी नाम याद करने हैं। सो वाई दे केम, ओके, सो क्लीमेंट एटली की जो गवर्नमेंट थी ब्रिटिश में, ब्रिटेन में, उसने कैबिनेट मिशन भेजा। इन तीन मेंबर्स का ये मिशन था, कैबिनेट मेंबर्स थे एक्चुअली वो ब्रिटेन गवर्नमेंट के। सो ये आए थे टू फाइंड आउट वेज एंड मीन्स फॉर अ निगोशिएटेड एंड पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिया। सो ये इंडिया में एक पीसफुल और निगोशिएटेड पावर ट्रांसफ़र कैसे करना है, ठीक है। सो ये निगोशिएशन करने आए थे इंडियन स्टेक होल्डर से कि भाई अब आगे की क्या दिशा होनी चाहिए। ओके, सो दिस आर द मेंबर्स। अब इसमें आप ये मत पूछेगा कि इसमें क्रिप्स कौन है, लॉरेंस कौन है और ये कौन है। सो ये कभी ऐसा मैच द कॉलम नहीं आएगा, जस्ट जोकिंग। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, अब ऐसा भाई ऐसा क्या हो गया था कि ब्रिटिशर्स इतने दयावान हो गए और उनको कैबिनेट मिशन इसलिए भेजना पड़ा कि भाई अब चलो यार अब पावर इंडियन के हाथों में दे दो। अभी तक तो ऐसा नहीं हो रहा था, बट अब ऐसा क्या हो गया। ओके, सो सक्सेस ऑफ नेशनलिस्ट फोर्सेस बाय एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। सो वर्ल्ड वॉर टू के ख़त्म होते होते कई जगह में नेशनलिस्ट फोर्सेस की जो एक तरह से सक्सेस हुई थी, उससे ये मिथ खत्म हो गया था कि अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजों के शासन को हटाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये मिथ खत्म हो चुका था। डिप्लीटेड ब्यूरोक्रेसी, सो वर्ल्ड वॉर टू के बाद भले ही इंग्लैंड ब्रिटेन जीता हो, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है, जो मिलिट्री है, जो स्ट्रेंथ है, वो पूरी ख़त्म हो चुकी थी और पूरी वियर एंड टीयर जिसे कहा जाता है। ओके, सो और साथ ही साथ जो इंडियन सिविल सर्विस है उसका इंडियनाइजेशन हो गया था। ओके, सो पहले क्या होता था कि ब्रिटिशर्स जो हैं आर्मी को एक तरह से, आर्मी के मेम्बर्स उनके पूरी तरह लॉयल हुआ करते थे, ठीक, तो उनका सपोर्ट लेके ब्रिटिशर्स जो है सारे मूवमेंट को सप्रेस कर देते थे। बट अब वो सिचुएशन चेंज हो चुकी थी, ठीक है, तो अब वो लॉयलिस्ट नहीं रहे। ब्रिटिश स्ट्रेटजी ऑफ रिप्रेशन एंड रिफॉर्म मॉडल हैज इट्स लिमिटेशन। भाई एक तरफ तो क्या होता था कि ये रिप्रेस करते थे लोगों को, दूसरी तरफ ये क्या करते थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ला के कुछ ना कुछ लोगों को क्या बोलते हैं उसको, कैरेट एंड स्टिक मॉडल जो कहा जाता है कि हाँ भाई लॉलीपॉप देना। ओके, सो इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी का भी एक लिमिटेशन है ना, लोग एक हद तक ही तो समझेंगे, उसके बाद तो लोग समझ जाएंगे कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाह रही है। ओके, सो कांग्रेस को ये समझ में आ गया था, लोगों को ये काफ़ी हद तक समझ में आ गया था कि ये रिफॉर्म विफॉर्म कुछ नहीं है, होना जाना कुछ नहीं है। इन द प्रीवियस इलेक्शंस कांग्रेस विक्ट्री हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड इट्स पावर। ओके, सो 1946 में एक्चुअली ये इलेक्शंस हुए थे फैब में। सो उसमें जो कांग्रेस जो सीट्स थी वहाँ पे कांग्रेस मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनी थी। ओके, सो साथ ही साथ मुस्लिम लीग्स को भी अच्छी खासी बहुमत मिली थी अपनी जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं और नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में कांग्रेस को। ओके, सो इन सब चीज़ों से कांग्रेस को एक तरह से पावर उसने अपना पावर शो कर दिया था। ब्रिटिशर्स ने ये भी साथ में सोचा कि भाई अगर आगे हमें इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रखने हैं, डिप्लोमेसी अच्छी मेंटेन करनी है, तो सेटलमेंट ही एक तरीका है। ओके, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रिटिशर्स कांट रिलाइड ऑन आर्मी एनी मोर। सो कैबिनेट मिशन आया जब 24 मार्च 1946 को ये तीनों दिल्ली पहुंचे। सो इन्होंने मुस्लिम लीग, कांग्रेस, मतलब गांधी जी और जिन्ना दोनों से बात करने की कोशिश की, डेलिब्रेट करने की कोशिश की, ठीक है। सो इंटरिम गवर्नमेंट से लेके नए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का प्रोसीजर सब पे चर्चा हुई, लेकिन उनको ये पता चल गया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो डिफरेंसेस है, सो कांग्रेस एक्चुअली यूनाइटेड इंडिया की डिमांड कर रही थी। ओके, सो कांग्रेस नहीं चाहती थी कि कहीं भी पार्टीशन हो, बट मुस्लिम लीग का पूरा फोकस था कि एक पाकिस्तान, एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, नई कंट्री एक क्रिएट की जाए। ओके, सो इस डिफरेंस को देखते हुए फाइनली कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को अपने रिकमेंडेशंस अनाउंस किए।
अब उस रिकमेंडेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में. सो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो रिजेक्ट किया उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड को. सो इस कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान की जो डिमांड थी मुस्लिम लीग की, उसको रिजेक्ट कर दिया गया. और हम आगे देखेंगे कि कैसे इस डिमांड के रिजेक्शन ने मुस्लिम लीग को इस प्लान को एक्सेप्ट करने से रोका. सो मुस्लिम लीग ने इस प्लान को इसीलिए एक्सेप्ट नहीं किया बाद में, क्योंकि ये डिमांड कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो चुका था. सो यूनाइटेड इंडिया की बात की गई कैबिनेट मिशन में, और उन्होंने कहा कि अगर पार्टीशन होता है तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, ट्रांसपोर्टेशन इशू, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, और बहुत सारी दिक्कतें आएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आएगी, और कम्युनल प्रॉब्लम जो है पार्टीशन से सॉल्व नहीं होगी. ओके, सो इसीलिए फुल फ्लेज पाकिस्तान की मांग को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया. ये क्वेश्चन पूछा जाता है. ओके, जो स्टेट्स थे उनको तीन सेक्शंस में बांटा जाएगा. ओके, सो जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी, अभी जिसे हम स्टेट्स कहते हैं उस टाइम उसे प्रोविंसेस कहा जाता था. सो अगर आपको डाउट्स होता है ना, डाउट होता है प्रोविंस नाम सुन के कि भाई क्या है ये, सो प्रोविंस मीन्स स्टेट्स ओनली. सो जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी उनको तीन सेक्शंस में डिवाइड किया जाएगा, ए बी सी. सो ए सेक्शन में जो प्रोविंसेस होंगे मद्रास, बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, उड़ीसा एंड सेंट्रल प्रोविंस, तो वो हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस होंगे. बी सेक्शन में जो प्रोविंसेस होंगे वो पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस और सिंध, वो मुस्लिम मेजॉरिटी. और जो सी सेक्शन में होंगे असम और बंगाल, सो वो भी मुस्लिम मेजॉरिटी प्रिंसेस. ओके, सो कैबिनेट मिशन ने बोला कि इन इस तीन सेक्शन में प्रोविंसेस को डिवाइड किया जाएगा, ग्रुप बनाया जाएगा, और साथ ही साथ पहले जनरल इलेक्शन के बाद कोई भी प्रोविंस किसी भी ग्रुप से बाहर आना चाहे तो वो आ सकता है. ओके, और कुछ रिकमेंडेशन अब ये भी थे कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ग्रुपिंग हुई, अब इस ग्रुपिंग में अब ए ग्रुप है, तो ए ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो अपने एक ए ग्रुप के जितने भी स्टेट्स हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेंगे सेपरेट बैठ के. ऐसे ही बी वाले करेंगे, ऐसे ही सी वाले करेंगे. ओके, सो आप देख सकते हैं कि कैसे ग्रुपिंग्स में जो स्टेट्स हैं उनको एक ऑटोनॉमी दे दी गई है. ओके, सो जो बी और सी में जो स्टेट्स हैं, जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स हैं, तो भले ही पाकिस्तान की डिमांड को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया हो, लेकिन इनको एक तरह से ग्रुप में बांट के कहीं ना कहीं ये एक टैसिट पाकिस्तान की डिमांड को मंजूरी मिली गई थी यहाँ पे. और जिन्ना को यही लगा कि हाँ भाई कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की डिमांड को मान लिया है, क्योंकि उसने मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस को एक अलग ग्रुप में डिवाइड किया है और उसको एक ऑटोनॉमी दी है, तो उसको लगा कि भले ही पाकिस्तान स्टेट क्रिएट नहीं हुआ है अभी, लेकिन हम अपने एरियाज में अपना कानून तो बना ही सकते हैं. ओके, बिकॉज प्रोविंसेस वर टू हैव फुल ऑटोनॉमी और रेसिडुअल पावर्स भी उनको दे दी गई थी. ठीक है, ऑल्सो रिकमेंडेड अ यूनियन. सो ये प्रोविंशियल असेंबलीज तो तीन भाग में डिवाइड होगी, बट इनके ऊपर एक यूनियन भी होगा जिसमें ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स दोनों आएंगे, और यूनियन के पास डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन का कंट्रोल होगा. ओके, सो ये कॉमन सेंटर होगा. ओके, और इसके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए ए बी सी तीनों सेक्शन के मेंबर्स जो हैं एक साथ बैठेंगे. ओके, सो पहले तो ए सेक्शन का जो मेंबरान है वो अलग बैठ के अपने ए ग्रुप के स्टेट्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, वैसे ही बी वाले बनाएंगे, वैसे ही सी वाले बनाएंगे. लेकिन जब यूनियन की बात आएगी तो तीनों मेंबर्स, तीनों सेक्शन के मेंबर्स एक साथ बैठेंगे और यूनियन का बनाएंगे. सो ये कैबिनेट मिशन ने एक फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने के लिए रिकमेंडेशंस दिया, और साथ ही साथ ये भी बोला कि जो प्रिंसली स्टेट्स होंगे वो फ्री होंगे गवर्नमेंट के साथ अपने एग्रीमेंट के लिए. सो अगर वो चाहें तो सक्सेस भी कर सकते हैं. ओके, सो इसीलिए हमने देखा कि मतलब कैसे जो हैदराबाद और जोधपुर और कश्मीर का इशू रह गया था, बिकॉज उनको फ्री एक फ्री हैंड दे दिया गया था कि वो उनको कंपलसरी इंडियन यूनियन में शामिल होना ज़रूरी नहीं है, वो चाहें तो अलग स्टेट भी बना सकते हैं और चाहे तो इंडियन यूनियन में शामिल हो सकते हैं. और साथ ही साथ एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्मेशन करने की बात भी कही गई. अब यहाँ पे दिक्कत क्या आई? दिक्कत ये आई कि कांग्रेस चाहती थी कि जो ग्रुपिंग है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की डिमांड तो खत्म हो गई, लेकिन मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस को एक ग्रुप में अलग डिवाइड कर दिया गया. ठीक है, तो कांग्रेस को लगा कि इससे क्या होगा, कि इससे यूनियन कमज़ोर हो जाएगा, और भाई बी और सी में जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैं वो अपना कानून बना के फिर वो यूनियन को उतना भाव नहीं देंगे. तो कांग्रेस चाहती थी कि ये ग्रुपिंग ऑप्शनल हो, लेकिन मुस्लिम लीग चाहती थी कि ये कंपलसरी हो. ठीक, और साथ ही साथ जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस और असम थे, अब इसमें यहाँ पे जो हिंदूस रहते थे, अब उनको लगा कि हम बी और सी में आ गए हैं तो हम अब मुसलमान मेजॉरिटी एरियाज में आ चुके हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस के ग्रुप में आ चुके हैं, तो उनको लगा कि ये गलत हो रहा है, तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया. ऐसे ही सिक्स ने भी प्रोटेस्ट किया, बिकॉज पंजाब और सिंध भी जो है बी में था,
तो उनको लगा कि भाई हम मुस्लिमों के रहमो करम पे टिके होंगे और इससे जो है हमारे कल्चर को खतरा हो सकता है, सो इन्होंने प्रोटेस्ट किया। सो द मिशन ऑल्सो इन्विसाज्ड फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरिम गवर्नमेंट, और साथ ही साथ इन सारे रिकमेंडेशन के बाद कैबिनेट मिशन ने बोला कि भाई एक इंटरिम गवर्नमेंट के फॉर्मेशन को भी देखा जाएगा और एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म किया जाएगा। ठीक, तो मुस्लिम लीग ने पहले तो एक्सेप्ट कर लिया था प्लान, क्योंकि कैबिनेट मिशन ने बोला कि भाई ग्रुपिंग कंपलसरी है, तो मुस्लिम लीग ने बोला कि ठीक है फिर हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन उसके बाद में जब नेहरू ने बोला कि भाई नहीं ऐसा नहीं होगा और हम हमारी मांग पे अड़े रहेंगे कि ये कंपलसरी ग्रुपिंग ना हो, ये ऑप्शनल हो, सो फिर जिन्ना ने फाइनली ये कैबिनेट मिशन प्लान से अपना एक्सेप्टेशन विदड्रॉ किया और बोला कि हम एक डायरेक्ट एक्शन प्लान, डायरेक्ट एक्शन डे की डिमांड करते हैं 16 अगस्त से टू अचीव पाकिस्तान। सो कम्युनल रायट्स हुए, बहुत सारे लोग मारे गए, ग्रेट कैलकटा किलिंग्स के नाम से भी जाना जाता है इसको। ओके, सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई उसके बाद। फिर फाइनली जो वेवेल थे उन्होंने मना लिया जिन्ना को कि आप जो इंटरिम गवर्नमेंट है हेडेड बाय नेहरू, आप उसमें शामिल होइए, और मुस्लिम लीग शामिल हुई उस इंटरिम गवर्नमेंट में, लेकिन उसका जो मेन फोकस था वो ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट था, वो गवर्नमेंट को काम करने से रोकना चाहते थे और उनका मेन एम अभी भी पाकिस्तान बनाने में था। सो आगे अगर हम देखेंगे तो आगे फिर फाइनली जिन्ना की मांग पूरी हुई और पाकिस्तान बना, और फिर माउंटबेटन के फाइनल प्लान से जो इंडिपेंडेंस एक्ट को मंजूरी मिली और उसके बाद में फाइनली 1947 में देश आज़ाद हुआ। सो ये आज़ादी से जस्ट एक साल पहले की ही कहानी है, ये 1946 की कहानी है कैबिनेट मिशन की। ओके, सो आप देख सकते हैं कि कैसे 24 जून 1946 तक यहाँ पे टसल चल रही थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग में, एक साल बाद दोनों देश आज़ाद भी हो चुके थे। ओके, सो गाइज दिस कैबिनेट मिशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये फ्लो चार्ट आपको मैंने ईजी करने के लिए बताया है कि स्टार्टिंग में कैसे मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में डिफरेंसेस थे पार्टीशन और यूनाइटेड इंडिया को लेके, उसके बाद कैबिनेट मिशन आया जिसने पाकिस्तान को डिमांड को रिजेक्ट किया और बोला कि एक यूनाइटेड इंडिया बनेगा, और साथ ही साथ अपने कुछ कुछ रिकमेंडेशंस दिए और ग्रुपिंग ऑफ स्टेट्स बनाने की बात की, और उस ग्रुपिंग में स्टेट्स को उनकी कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाने की छूट दी गई और उनको ऑटोनोमी दी गई। जिन्ना ने पहले तो एक्सेप्ट किया, फिर बाद में प्लान को रिजेक्ट कर दिया और डायरेक्ट एक्शन डे की मांग की, और फिर फाइनली जिन्ना ने इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन किया, और जो उनका रवैया था वो ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट रवैया था, एक तरह से जो विघ्न पैदा करने वाला रवैया था, और वो सक्सेस नहीं हो पाया। इसीलिए फाइनली फिर जो है माउंटबेटन ने लास्ट में इंडिपेंडेंस एक्ट की एक तरह से फॉर्मुलेशन करके इंडिपेंडेंस की तरफ हम बढ़े। ओके गाइस, तो इस कैबिनेट मिशन में मैंने आपको जितना ब्रीफ में हो सकता है, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं कवर करके आपको बताया है, और अब फर्दर आपको कोई भी डाउट हो तो डू आस्क मी इन द बिलो सेक्शन। टिल देन हैव अ ऑसम डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।